स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स एक्सकर्सर में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री के बारे में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक है हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की अगर बात करें तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हमें इसके स्रोत कहाँ से मिले, यानी कि अगर प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में देखें तो इसको कैसे कैसे हमारे स्रोत कहाँ कौन कौन से स्रोत हुए जिससे हमें जानकारियाँ मिली। और मध्यकालीन भारत के बारे में अगर बात करें तो मध्यकालीन भारत के बारे में ये पता चलता है कि इतिहास खोजा तो जा चुका था, उसके बाद फिर ये जो आविष्कार हुए जैसे कि अग्नि का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, इन सारे बिंदुओं पर हम अगर बात करेंगे तो किस हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो उससे चीजें पता चलेंगी। उसके बाद आता है थर्ड नंबर आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में ये हमें पता चलता है कि जो हमारे पुराने टाइम पे जितनी लड़ाइयाँ हुई, यानी कि जो अंग्रेज आए भारत को उन्होंने लूटा और कितने तरह की लड़ाइयाँ हुई, इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत के इतिहास की जब बात करते हैं तो इसमें एक नाम और आता है, आफ्टर फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का इतिहास क्या रहा। और तो चलिए इन सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इतिहास को कैसे जाना गया कि इतिहास होता क्या है, इसके क्या स्रोत रहे। तो पहला टॉपिक ये होगा कि प्राचीन भारत इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे। तो नंबर एक पे ये दिया गया है धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां। तो पुराने टाइम पर बहुत सारे ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े धर्म ग्रंथों की रचना की जिससे इतिहास के बारे में चीजें पता चली। तो अगर सबसे पहले देखें तो इसमें जो वेद लिखे गए थे उसमें वेदों से हमें क्या पता चला, तो वेदों से हमें बहुत सारी चीजें पता चली। जैसे कि और वेद क्वेश्चन आता है कि वेद कितने टाइप के थे, तो वेद चार टाइप के थे। कौन कौन से वेद थे, ऋग्वेद, उसके बाद दूसरा क्या था यजुर्वेद, तीसरा क्या था सामवेद और चौथा क्या था अथर्ववेद। अब ऋग्वेद की अगर जब बात करते हैं तो ऋग्वेद में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऋग्वेद में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कितने मंडल होते हैं। तो ऋग्वेद में अगर मंडल की बात करें तो इसमें 10 मंडल होते हैं, ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। और अगर बात करें तो चार वेद तो है ही है, और इसमें अगर पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद यानी कि सबसे प्राचीन वेद, इसी को बोला जाता है ऋग्वेद को, सबसे प्राचीन वेद है ये। कैसा वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है ये। इसमें 10 मंडल दिए गए हैं। अगर सूक्तियों के बारे में हम चर्चा करें तो सूक्तियाँ कितनी दी गई हैं, सूक्तियाँ इसमें 1028 सूक्तियाँ दी गई हैं। तो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में जो सूक्तियाँ दी गई हैं कितनी हैं, तो ऋग्वेद में सूक्तियाँ 1028 हैं। उसके बाद अगर इनकी रचनाओं की बात करें, ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं, तो ऋग्वेद में रचनाएं 10462 रचनाएं दी गई हैं ऋग्वेद में। उसके बाद ऋग्वेद में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गायत्री मंत्र जो होता है, गायत्री मंत्र ये किस वेद से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र ये हमारे ऋग्वेद से लिया गया है। और उसके बाद अगला एक वेद है सेकंड नंबर का यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में क्या प्रावधान थे, इससे हमें क्या क्या ऐतिहासिक स्रोत मिले, क्या क्या जानकारियां मिली। तो यजुर्वेद की अगर बात करें तो इसमें गद्य पद मंत्र और बलि, इन चार पांच बिंदुओं के बारे में हमें पता चलता है यजुर्वेद से। गद्य का मतलब क्या हुआ, गद्य का मतलब यह है कि यहाँ पर जितनी भी आजकल कहानियां उपन्यास लिखे जाते हैं वो गद्य विधा में लिखे जाते हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, यजुर्वेद से शुरुआत हुई। उसके बाद पद की अगर बात करें तो पद का मतलब क्या होता है, पद का मतलब है कि जो कहानियां मतलब जो कविताएं लिखी जाती हैं, ठीक है, तो वो पद में आते हैं। और ये इसकी सबसे पहले शुरुआत यजुर्वेद से हुई थी, मतलब जितने टाइप के आजकल कविताएं लिखी जाती हैं ये सब पद से आई हुई हैं, और वो हमें मिला कहाँ से, यजुर्वेद से मिला, ये ऐतिहासिक स्रोत था। उसके बाद मंत्र, मंत्र की अगर बात करें तो मंत्र का मतलब ये है कि जो पहले के टाइम पर पूजा पाठ हुआ करता था, तो पुराने जो ऋषि मुनि थे वो मंत्रों का उच्चारण करते थे, और वो मंत्रों का उच्चारण वेद के किस उसमें रखा गया, तो वो वेद के यजुर्वेद में रखा गया था। उसके बाद प्राचीन काल में एक बहुत ही बड़ी प्रथा मानी जाती थी जिसको वो बोलते थे बलि प्रथा। तो बलि प्रथा का मतलब ये होता क्या था, बलि प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जैसे कि जो पुराने देवी देवताएं होते थे, उनके पूर्वज होते थे, उनको खुश करने के लिए लोग वहां के क्या करते थे, बलि देते थे। अब क्वेश्चन आता है बलि किसकी देते थे, तो बलि हो गया जैसे कि पशुओं की बलि देते थे, पशुओं की बलि देते थे। तो उसके बाद बलि देने के बाद क्या होता था, उनके जो देवता होते थे, पूर्वज होते थे, कुल देवता होते थे, वो खुश हो जाते थे, ऐसा उनकी मान्यता थी। फिर अगला एक और वेद दिया गया है, कौन सा, सामवेद। सामवेद का मतलब होता है संगीत।
सामवेद यानी कि जितनी भी संगीत की ये प्रथाएं होती हैं, संगीत की जितने भी इनकी शाखाएं हैं वो किस वेद से लिया गया है, वो सामवेद से लिया गया है। उसके बाद अगला लास्ट जो वेद दिया गया है वो है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद की अगर बात करें तो इसमें क्या है, इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं, हमें ऐतिहासिक स्रोत क्या पता चलता है, तो अथर्ववेद से हमें जादू टोना, वशीकरण यानी कि जो काला जादू होता है वो अथर्ववेद से हमें पता चलता है। जो पुराने टाइम पर लोग जादू टोना कर देते थे, ठीक है, तो वो अथर्ववेद से पता चलता है। तो हम लोगों ने एक प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में एक टॉपिक पढ़ा जो ऐतिहासिक स्रोत वो क्या था, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां। इसके बाद हमें और कैसे कैसे इसके बारे में पता चला कि कैसे हमें इतिहास के बारे में, तो पुराने के टाइम पे जो लेखक होते थे, जो फॉरनर लेखक आते थे इंडिया में, वो क्या करते थे उस टाइम, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करते थे, उससे हमें कुछ जानकारियां मिली। जैसे कि मेगास्थनीस इंडिया में आए, उन्होंने क्या रचना की, इंडिका की रचना की, तो उससे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।